चेन्स बनाना सीखने के बाद ये प्रैक्टिस करने के बाद जो सबसे पहला स्टिच है क्रोशे में वो है सिंगल क्रोशे तो सिंगल क्रोशे को बनाने के लिए आप ध्यान दें कि ये यहाँ पर हुक है हमारा तो ये हमारी चेन है जो वर्किंग चेन है इसे छोड़ के इसमें हुक नहीं इंसर्ट करना है तो इसके बाद जो नेक्स्ट चेन आती है इसमें क्रोशे को इस तरह से अपर लूप में इंसर्ट करते हुए रैप करेंगे यहाँ से थ्रेड को और निकालेंगे अब ये टू गए हमारे पास टू लूप्स अब फिर से रैप करेंगे और ये टू में से निकाल देंगे तो ये बन गया हमारा सिंगल क्रोशे अब जो भी नेक्स्ट चेन आ रही है वो नेक्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से अब ये देख सकते हैं ये हुक में टू आ गए हैं अब इसे रैप करेंगे और ये जो चेन है इसमें से निकालेंगे इस तरह से फिर से हमारे पास टू लूप्स आ गए हैं अब ये रैप करेंगे फिर से और ये टू में से निकाल देंगे अब ये कंप्लीट हो गया हमारा सिंगल क्रोशे फिर से देखें आप कि रो में किस तरह से वर्क करते जो नेक्स्ट चीन आएंगी उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से ये टू हो गए फिर से ये थ्रेड जो वर्किंग थ्रेड है इसे नॉच से हम पुल करके इसमें से निकाल देंगे ये चेन में से टू आ गए हमारे पास अब फिर से ये नॉच से ले थ्रेड को और ये टू में से निकाल देंगे तो ये हमारा सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया फिर से देखें नेक्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे टू हो गए इसमें रैप करके ये जो चेन है हमारी इसमें से निकालेंगे फिर से टू हो गए अब ये फिर से नॉच से पुल करके थ्रेड लगे और ये टू में से निकाल देंगे तो ये सिंगल क्रोशे फिर से देखें नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट किए रैप करें इसमें और ये जो चेन है हमारी इसमें से निकाले हमारे पास टू लूप्स हो गए इस पर फिर से रैप करेंगे और टू में से निकाल देंगे तो ये सिंगल क्रोशे है इंसर्ट किए रैप करके चेन्स में से निकालें चेन में से फिर रैप करें टू लूप्स में से निकाले तो इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशे बनता है